हे वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपेयर में। दोस्तों आज की वीडियो में हम भारतीय बाजार में मिलने वाली दो जबरदस्त अफोर्डेबल एसयूवी के बीच कंपैरिजन करने वाले हैं, जहां पर पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी एक्सएल 6 और दूसरी है किया कारेंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों गाड़ियों की टॉप सेलिंग मॉडल्स के बीच में, जहां पर हमने लिया है एक्सएल 6 का अल्फा मॉडल जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 10,82,000 रुपीज, और किया कारेंस का लिया है प्रेस्टीज मॉडल जो कि इसकी सेकेंड बेस मॉडल है जिसकी कीमत है 10,70,000 रुपीज। अगर मैं प्राइस डिफरेंस की बात करूं तो जो एक्सएल 6 का अल्फा वेरिएंट है ये 12,000 रुपीज ज्यादा महंगा पड़ता है एज कम्पेयर टू कैरेंस। तो ये शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन के साथ। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे डिजाइन की बात करेंगे। डिजाइन वैसे तो दोनों ही गाड़ी एक दूसरे को बहुत कड़ी कॉम्पिटिशन देती है। एक्सएल 6 का डिजाइन दोस्तों दिखने में एक एसयूवी वाला फील देता है, जबकि किया कैरेंस की बात करूं दोस्तों ये गाड़ी कुछ हद तक एसयूवी और एमपीवी का मिक्सचर लगती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी दोनों गाड़ियों का डायमेंशन वैल्यू की बात करूं दोस्तों, अगर हम डायमेंशन के हिसाब से बात करते हैं तो किया कारेंस ये एक्सएल 6 के मुकाबले 95 mm ज़्यादा लंबी है, 25 mm ज़्यादा चौड़ी है और 8 mm ज़्यादा ऊंची है। अगर हम डायमेंशन के आधार पर बात करते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो डेफिनेटली इस मामले में किया कारेंस पूरी तरीके से बाजी मार ले जाती है, एक बड़ी गाड़ी प्रेजेंट करती है किया कारेंस। एक्सएल 6 की बात करो तो ये गाड़ी थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज में आती है, लेकिन इस गाड़ी का जो डिज़ाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। ओवरऑल डिज़ाइन सबका अलग अलग मैटर करता है, किसी को एक्सएल 6 पसंद आएगा, किसी को किया कारेंस। कौन सा डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखें। बूट स्पेस की बात करूं दोस्तों, एक्सएल 6 में आपको 209 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है और किया कारेंस में 216 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको एक्सएल 6 में 180 mm का और किया कारेंस में 200 mm का देखने को मिलता है। व्हील बेस की बात की जाए तो दोस्तों एक्सएल 6 का व्हील बेस है 2740 mm और किया कारेंस का व्हील बेस है 2780 mm। किया कारेंस में आपको 40 mm का एक्स्ट्रा व्हील बेस देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों इंजन के मामले में दोस्तों सुजुकी एक्सएल 6 में आपको देखने को मिलता है 1.5 लीटर का K15 स्मार्ट हाइब्रिड इंजन जो कि 4 सिलेंडर का इंजन है। यह इंजन पावर प्रोड्यूस करती है 103 bhp का विद टॉर्क 138 Nm टॉर्क। गाड़ी में 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आ जाता है और ये गाड़ी का जो इंजन है वो सुपर साइलेंट है। अगर आपको लग्जरीनेस वाला मजा चाहिए गाड़ी के अंदर तो ये इंजन सबसे बेस्ट है अपनी सेगमेंट में। बात करूं किया कारेंस की तो दोस्तों किया कारेंस में दिया गया है 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम इंजन जो कि पेट्रोल इंजन है। यह इंजन पावर जनरेट करता है 113 bhp का विद टॉर्क 144 Nm टॉर्क। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आ जाता है। तो अगर हम पावर कंपैरिजन करते हैं तो दोस्तों को पावर वाइज तो किया कारेंस का जो इंजन है वो ज्यादा पावरफुल है, 10 bhp का दोनों के बीच पावर के डिफरेंसेस है। किया कारेंस में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल रहा है जो कि एक और प्लस पॉइंट है यहां पर। माइलेज की बात करूं तो हां, माइलेज के फैक्टर में यहां पे मारुति सुजुकी हमेशा से विनर रही है। माइलेज वाइज दोस्तों की एक्सएल 6 ARI वैल्यू पर 19.01 kmpl का एक प्रैक्टिकल सा माइलेज निकाल के दे देती है। किया कारेंस 15.7 kmpl का माइलेज ARI वैल्यू पर निकालती है जो कि बहुत ही कम है। अगर हम माइलेज के हिसाब से देखते हैं तो हाँ, एक्सएल 6 इस मामले मुझे सही लगती है। फ्यूल टैंक्स दोनों गाड़ी में 45 लीटर का है। इंफोटेनमेंट वाइज बात करें दोस्तों, सुजुकी एक्सएल 6 में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आ जाता है जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले और 4 स्पीकर के साथ आती है। यहाँ पे जो आप इंटीरियर देख रहे हैं वो पुराने वाले इंटीरियर से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ी सी फिनिशिंग क्वालिटी अच्छी है। अगर हम इसे अर्टिगा से कंपेयर करते तो अर्टिगा के मुकाबले इसका इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा लग्जरीनेस और प्रीमियम फील देता है आपको। किया कारेंस की बात करूँ तो यार, इस सेगमेंट की सबसे खूबसूरत इंटीरियर इसके अंदर देखने को मिलती है। 8 इंच का शानदार सा टच स्क्रीन सिस्टम आता है जो कि एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले और 4 स्पीकर इसमें आ जाते हैं। इंटीरियर वाइज बात करें तो दोस्तों दोनों ही गाड़ी एक दूसरे को बहुत कड़ी कंपटीशन दे रही है। अगर आप मेरे अनुसार देखें किस गाड़ी का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लगता है तो मुझे पर्सनली किया कारेंस का इंटीरियर ज़्यादा इंप्रेस करता है। ओवरऑल आप बताएं कमेंट बॉक्स में, क्या कारेंस का इंटीरियर ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर एक्सएल 6 का। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी सेफ्टी सेगमेंट एंड फीचर्स के बारे में। दोस्तों अगर हम यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों दोनों गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं, लेकिन जहाँ हम बात करते हैं यहाँ पर ग्लोबल एनकैप की सेफ्टी रेटिंग वगैरह, तो दोनों गाड़ियों की अभी तक कोई ऐसी सेफ्टी टेस्टिंग हुई नहीं है। तो ये कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है कितनी अनसेफ है ये कह पाना बिल्कुल ही असंभव है। ओवरऑल जो प्रैक्टिकलिटी होती है वो दोनों गाड़ियों में बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक्सएल 6 में 4 एयरबैग्स देखने को मिलते हैं, वहीं किया कारेंस में 6 एयरबैग्स आ रहे हैं। ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, कीलेस एंट्री, ये जितने बेसिक फीचर आप देख रहे हैं डिस्प्ले पे, ये सारे ही फीचर दोनों गाड़ियों में दिए जा रहे हैं।
आप सुजुकी एक्सल 6 में 360 डिग्री का पार्किंग व्यू कैमरा और ब्रेक असिस्टेंट देखने को मिलता है, जो कि एक्स्ट्रा फीचर है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। ESP एंड हिल होल्ड दोनों ही गाड़ियों में मौजूद है। तो अगर मैं सेफ्टी के अनुसार बात करूं तो 10-12 लाख रुपए लगा रहे हो, जितनी फीचर होने चाहिए आपके लिए वो सभी के सभी इसमें दिए गए हैं, फीचर में कोई कमी नहीं है। लेकिन जहां सवाल आता है बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्रैश टेस्ट में कैसा परफॉर्म की है गाड़ी, तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर इसको भी क्रैश टेस्ट भेजा ही नहीं है। जब भेजेगी तो आपको ज़रूर बताएंगे कि कितना किसको स्कोर मिला। तो ओवरऑल दोस्तों इस पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन सेफ्टी फीचर्स में 100/100 दोनों गाड़ियों को कोई कमी नहीं छोड़ा है दोनों गाड़ियों ने। अब आते हैं कंक्लूजन पे, कौन सी गाड़ी किस परस्पेक्टिव से बेटर। दोस्तों सुजुकी एक्सल 6 में मैं मेनली जो कहना चाहूंगा इस गाड़ी की सबसे बेहतर चीज लगता है वो है इस गाड़ी का माइलेज। जी हाँ दोस्तों, माइलेज प्रैक्टिकल है 19.01 KMPL का, अगर कितना भी घटेगा तो 15 पे आके रुक जाता है माइलेज। साइलेंट इंजन है, जी हाँ दोस्तों, एक्सल 6 में स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया इंजन में, जिसकी वजह से इंजन नॉइस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और जब आप गाड़ी चलाते हो तो कैबिन में आपको एक लग्जरीनेस का महसूस होता है। किया कारेंस की बात करूँ तो दोस्तों ये गाड़ी सेम प्राइस में आपको एक बड़ी गाड़ी मिलती है। पहली चीज़ नोटिस कीजिएगा, एक बड़ी गाड़ी अगर आपको चलाने का शौक़ हो तो ये ज़्यादा अच्छी रहेगी। एक्सल 6 से एक बड़ी साइज की गाड़ी है, ज़्यादा स्पेस रहेगा। लेकिन इंजन की बात करता हूँ तो इंजन में पावर ज़्यादा आपको किया कारेंस दे रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइलेंटनेस के ऊपर जाऊँगा तो स्मार्ट हाइब्रिड ज़्यादा अच्छा इंजन होता है इन टर्म्स ऑफ साइलेंट केबिन। ओवरऑल दोस्तों ये था हमारा आज का कंपैरिजन, आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा पसंद आई कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऑटो कंपेयर को, कमेंट करें अपने फेवरेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो।